बिस्मिल्लाह रहमान। आज जो है गौसिया इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रस्ट में एक मेगा जॉब फेयर कर रहे हैं। हमारी सीरीज ऑफ मेगा जॉब फेयर कर रहे हैं, उसमें आज एक है। आज ये पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के वास्ते हो रहा है। आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खड़ रहे हैं। तकरीबन 350 इंजीनियरिंग कैंडिडेट अब तक आ चुके हैं और उनको देखने के लिए बहुत से कंपनीज आए हैं। और उन एक जैसे बड़े कंपनीज रहते हैं वो दूसरे कंपनीज के रिक्रूट करते हैं। जैसे अब आईक्वेस्ट कर कंपनी आई है, वो 7-8 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ये रिक्रूटर हैं। ये इनके जरिए से बच्चों को रिक्रूट होते हैं। ये आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि डायरेक्ट बड़े कंपनीज नहीं आते, रिक्रूटर के थ्रू वो रिक्रूट करते हैं। तो वो हमारे पास आके हैं माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बहुत जो है जॉब्स लेने के वास्ते तकलीफ हो रही है। तो इस वास्ते आज इतने बच्चे दिखे इंजीनियरिंग, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे काम हमारे से एक काम होने अच्छा काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। कि अब तक तो अब राइट नाउ आज तक 350 बच्चे आ गए इंजीनियरिंग के, सिर्फ बाद में और आएंगे। इसके दूसरे हमारे बी कैंपस में जो पीछे आईटीआई कैंपस है उसमें दूसरे कोर्सेज के वास्ते यानी डिग्री कोर्सेज बीकॉम बीसीए एमसीए बीबीएम ऐसे जो भी डिग्री कोर्सेज हैं और डिप्लोमा हैं और आईटीआई है उनके वास्ते दूसरे कैंपस में रखे हैं। उनके वास्ते भी तकरीबन 200 बच्चे अब तक आ गए। ये 350 आए वो 200 बच्चे आए हैं, सब कुल मिला के 550 अब तक हुए हैं। इंशाल्लाह ये सब बच्चों को जॉब मिलेगा और ये हमारा प्रोग्राम उनके जॉब मिलने से हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा। तो ये क्या फ्री सर्विस है, कैसे है? ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, टोटल सोशल सर्विस है। ये फाउंडर्स डे जो हमने मनाया है, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान बाबा तालीम का जो जन्मदिन था 6 सितंबर, उसके जो मैं सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स ओसिया में हो रहे हैं और अलमीन में हो रहे हैं, उसके एक ये एक प्रोग्राम है जॉब फेयर, और टोटल फ्री सर्विस है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि जो बच्चों को जॉब्स नहीं मिले हैं उनको जॉब्स मिल जाएँ और कंपनीज और एम्प्लॉयज़ में हमें कनेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो आज जो है लॉकडाउन है और कोरोना के हालात में बहुत मुश्किल हो गया है जॉब हासिल करना, तो इन हालात को देखते हुए क्या एक कदम आपने उठाया है यहाँ पर और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ये जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन का दौरान है, यही हम समझ के उठाया कदम। लेकिन जो जैसे कोशिश करते हैं तो अल्लाह रास्ता खोलता है। मुझे मालूम हुआ कि बहुत से वैकेंसीज़ हैं, हज़ारों में वैकेंसीज़ हैं, हज़ारों में कंपनीज़ में लोगों को ज़रूरत है, लेकिन उनको राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। जो पढ़ के जो बच्चे निकले हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, अभी उनको एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है। तो उनको लिए ब्रिज कोर्सेज भी हैं, आज वो ऐसी कंपनी भी आए हैं जो ये बच्चों को लेंगे और 2-3 महीने के ब्रिज कोर्स कराएंगे और फिर उनको कंपनी में एम्प्लॉयबल होने के लायक बनाएंगे। वो भी चल रहा है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, यानी कोशिश करें तो जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है। कोशिश करें, सही लिंक लगाए तो ज़रूर है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है। अभी रिक्वायरमेंट बड़े कंपनीज़ को बहुत रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर खान है, प्रिंसिपल गौसिया आईटीआई बेंगलोर। ये हमारा माशाल्लाह 7th या 8th जॉब मेला है, जॉब फेयर है। इसके तहत माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी आ चुके हैं। और अभी आप कोई लोग अगर देख रहे हैं तो मेहरबानी से इस मेले का फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह 5 बजे तक रहेगा। इसमें माशाल्लाह जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और डिग्री स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, पीयूसी स्टूडेंट्स हैं और आईटी के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, कम से कम 50 से 60 कंपनीज माशाल्लाह यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। बेहतरीन मौका है, मैं तमाम से अपील करता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। और ये करने का मकसद बस ऐसे ही, आप लोगों को मालूम है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो है बहुत सारे कंपनीज लास्ट की वजह से इधर बंद कर दिए हैं या प्रोडक्शन की वजह से फिलवत नहीं काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं चल रहा है। हम एक मीडिया बन गए हैं गौसिया में, जो हमारे पास यहाँ इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आईटी है तो हमारा कनेक्ट बहुत अच्छा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज से। वो लोग डायरेक्ट हमको जो है इसका रिक्वायरमेंट पूछते हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं कि हम उनको दे सकें। तो इस वजह से जो है हम आप लोगों के माध्यम से और दूसरे मीडिया से जो है लोगों को एक कनेक्ट बना के एक फैसिलिटी करते हैं। तो माशाल्लाह ये यही जॉब फेयर बहुत अच्छा कामयाब हो रहा है। तो गवर्नमेंट से कोई मदद मिली है? नहीं, बिल्कुल कोई मदद नहीं है। अलबत्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वो हमारा साथ हमेशा देती है, स्मृता भाई साथ दी है। हम ये बस फ्री है, किसी के पास हम कोई पैसा भी नहीं लेते इधर, बस फ्री है। बच्चों को और कंपनियों को हमारा कनेक्ट पैदा करते हैं बस। क्या नाम है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है, किस जॉब के लिए यहाँ पर आप आए हैं? मेरा नाम रिजवान आताज है, मैं चिनपटन से आई हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम है। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि हमारा अगर हम अपने गांव में जॉब ढूंढेंगे तो हमें बहुत मुश्किल है कि हम वहां पर जाके ढूंढ सकें। अगर इस तरह फेयरवेल करने से गौसिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट कर को एक ट्रेनिंग दे रही है जिसमें इंटरव्यू के वास्ते कैसा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा डेवलप करना अगर को, उसके बाद जैसा ऐसा जॉब फेयर्स होती है वहाँ हम ना बुलाले को जाकर उनको इंटरव्यूस अटेंड कराते हैं, उनके रिलेटेड जॉब्स है तो उनको दिलाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमें चनपटना से आए हैं कंपस्ट कॉर्पोरेट, हमारी एक ट्रस्ट है अलवर अकेडमी करके, उधर हमने सब को अजगर सर करने के ट्रेनर है उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, ये बारे में हमने तो मालूम नहीं था क्या गौसिया में कैंपस है कर लेके असगर सर बोले, इसलिए हमारी पूरी ग्रुप मिलके इधर आए। कितने लोग आए हैं? 20-25। यहाँ पर सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? अभी पता नहीं हुआ, इधर उधर हैं, उधर इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, हम थोड़े इधर आए अब मिले हैं ना, इसलिए बात है। क्या हमारा बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, यह है यंगस्टर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, इतना कहना चाहता हूँ। तो इंटरव्यू वगैरह दिया? हाँ इंटरव्यू दे दिया सर। अच्छा क्या बोल रहे हैं? 3 दिन के अंदर कंसल्ट करते बोलते 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 कॉन्टैक्ट करते बोलते बोले हम।